दोस्तों जय हिंद जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि एक मोहतरमा है और जो कि वो प्रधानमंत्री का पद का जो चुनाव होता है वो लड़ना चाहती है और वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ कर वो जो है आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इनका मतलब मेन उद्देश्य ये रहेगा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे और बनने के बाद ये सीधा आरक्षण को ही खत्म करेंगी, विकास के नाम पर कोई चीज नहीं करेंगी। नमस्ते, मेरा नाम माही गादिया है और मैं कुशलगढ़ से, मैं स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 16 इयर्स से। मैं विधानसभा में प्रधानमंत्री के पद का चुनाव करना चाहूँगी क्योंकि हमारे देश में आरक्षण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश के लिए आरक्षण एक चुनौती बनता जा रहा है। इसमें इसे नियंत्रण में पाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हमारा देश तब तक डेवलप नेशन नहीं बनेगा जब तक आरक्षण यहाँ से नहीं जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री की सीट पर बैठकर इस आरक्षण को मिटाना चाहती हूँ क्योंकि जब हम एक क्लासरूम में बैठते हैं तब हमें वहाँ समान शिक्षक समान शिक्षा प्राप्त कराते हैं, तो एग्जाम्स के टाइम आरक्षण कहाँ बीच में आ जाता है? आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण के बलबूते पर बहुत से लोग टीचर्स या डॉक्टर्स बन जाते हैं। अगर वही व्यक्ति जो पढ़ा ही नहीं है वो डॉक्टर बन गया तो वो किसी भी इंसान की जान तो नहीं बचा पाएगा ना। और अगर वही बच्चा टीचर बन गया तो ना ही तो वो किसी स्टूडेंट को सही से पढ़ा पाएगा ना ही उसे नॉलेज गेन करा पाएगा। अब सबसे पहले इनकी आप बात को सुनिए और सुनने के बाद आपको बता दूं कि इनका साफ कहना है कि आरक्षण से है जो है वो देश हमारा पीछे जा रहा है, आरक्षण की देन है। मोहतरमा, शायद आपने आप बता रही हैं कि मैं विद्यार्थी हूं और मैं पढ़ाई अभी कर रही हूं। आपको बता दूं इनका नाम माही है, ठीक है, और मेरा नाम मनीष है, आप सभी को पता होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों जिस तरीके से ये बोल रही हैं कि मैं पढ़ाई करती हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहली बात है मोहतरमा, एक बात को आप याद रखना, अगर आप पढ़ाई लिखाई करते ना तो आप आरक्षण पे और इस चीजों पे ना टिप्पणी आप करते ही नहीं हो, ठीक है। आप अनपढ़ गंवार जाहिल हो, मेरे हिसाब से आपका पढ़ाई करके भी अनपढ़ गंवार जाहिल हो। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इनका आरक्षण से अगर आपके पेट में दर्द होता है, मैं मान लिया चलो आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन आरक्षण से अगर आपके पेट में दर्द होता है तो किसकी कितनी आबादी है इस देश के अंदर, ठीक है, और किसकी कितना हिस्सेदारी है, मतलब हर किसी को बांटा जाए, ठीक है, किसके पास जमीन कम है और किसके पास जमीन ज्यादा है और किसके पास दौलत कम है और किसके पास दौलत ज्यादा है, बांटा जाए इस देश के अंदर। और आरक्षण, इनका ये साफ कहना है कि जो हमारे समाज के लोग होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करके उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन एससी समाज के लोग जो आरक्षण का लाभ लेते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं, टीचर बन के पहुंच जाएंगे। तो क्या आपको आपके बच्चों को वो लोग क्या शिक्षा देंगे? अबे मेरी बात सुन ले तू, हमारे जो समाज के लोग जो अगर टीचर बन गए हैं, कुछ भी बन गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं की है। जिस भी मेरे समाज का कोई भी अगर टीचर होगा जाके देख लेना, एमए बीए बीएड और बीटीसी उसका फाइनल होगा तब जाके वो टीचर होता है, ठीक है। तुम्हारे जैसे वीडियो बनाकर ना मैं प्रधानमंत्री की चुनाव लड़ने आ रही हूं, ऐसे नहीं कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। और आरक्षण पे तुमने तो टिप्पणी कर दिया, लेकिन मोहतरमा एक बात मुझे बता दो, इस देश के अंदर आप मोदी जी की तो बात कर, गुणगान तो चलिए ठीक है, मोदी जी का आपने बात कर दिया, मैं प्रधानमंत्री की चुनाव लड़ूंगी और मोदी जी के सीट पे मैं बैठूंगी और आरक्षण मैं खत्म कर दूंगी। आप आरक्षण पे ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो, लेकिन इस देश के अंदर कितनी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो आपके आंखों से नहीं दिखता है? आप देश की सरकार के ऊपर टिप्पणी करो ना कि आज भारत के अंदर देश की जितनी भी बेटियां हैं अगर वो अपने घर से अगर वो स्कूल के लिए निकलती है ना तो भी उनके माता पिता उनके पूरे परिवार उनकी फैमिली डरती रहती है जब तक वो बेटी घर पे पहुंच नहीं जाती। तो आप में हिम्मत तो है नहीं उस पे उठाने की आवाज कि इस देश के अंदर महिलाओं का कितना अपमान किया जा रहा है, कितना अत्याचार किया जा रहा है और किस तरीके से, मतलब एक तरीके से आपको बता दूं साथियों कि अगर कोई भी बेटी होगी, कोई भी होगी, मैं आपको बता दूं, चाहे वो पढ़ाई कर रही होगी या कहीं जॉब कर रही होगी, कहीं पे भी होगी, वो बिल्कुल डरती है घर से, अगर वो बाहर निकलेगी तो वो डरेगी। इनका ये कहना है कि आरक्षण खत्म, आरक्षण से देश पीछे जा रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर आरक्षण से अगर देश अगर पीछे जाता तो दिल्ली के अंदर जो आज किसान आंदोलन चल रहा है वो आरक्षण की देन है?
वो आरक्षण की दे रहे हैं, 4-5 महीने से ऊपर हो गया है, वो लोग जाकर वहां पे बैठे उस पर क्यों नहीं आवाज उठाती? क्या तुम्हारे पेट में दाना नहीं जाता क्या कि तुम खाना नहीं खाती हो? उस पर जाकर आवाज उठाओ ना अगर तुम्हारे में हिम्मत है। जब देखो तब साला आरक्षण 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 रख लो। आरक्षण से हमें क्या कोई लाभ है क्या? अगर एक बात को ये जान लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस अधिकार को हमें दिया है तो इस अधिकार को हम लेंगे, ठीक है? और अगर आरक्षण इस देश से खत्म किया जाएगा तो इस देश के अंदर जातिवाद से लेके हर कोई चीज को खत्म करो और आरक्षण अपने जहां मर्जी वहां लेके जाओ, ठीक है? साफ कहना है, आरक्षण से क्या है यार, हमारे समाज के लोग कितना लाभ ले लेते हैं, मैं तो नहीं जानता कितना लाभ ले लेते होंगे। अगर कोई आरक्षित है, अगर कोई सीट वगैरह आती होगी तो उसपे लाभ मिलता है हमारे लोगों को, वैसे तो नहीं लाभ मिलता। हमें तो नहीं लगता कि आरक्षण हमें आके खाना दे दे रहा है कि हमें रोटियां दे दे रहा है। नहीं, हम बाबा साहब ने ये नहीं कहा हमें, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अगर हमें आरक्षण दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरक्षण हमें दे दिया और हम घर पे अपने बैठे रहे बिना डिग्री का जाकर हम क्या नाम है चाहे जो बन जाए। नहीं, ये नहीं कहा था बाबा साहब ने, सीधा तौर पे ये कहा कि आप पढ़ाई करो, हर मैंने उतनी मेहनत करो। और मैं खुले तौर पे कहता हूँ मैडम, आप जो मर्जी जिसको मर्जी उसको लेके आना, और जितने भी मेरे भाई आरक्षण में, अब जितने भी मेरी बहनें और जितने भी मेरे भाई आरक्षण की बदौलत अगर किसी भी सीट पे कोई भी चीज पे मतलब किसी भी विभाग में होंगे ना, आप जाके उनसे आजमा लेना और उनकी डिग्री को जांच लेना। प्रधानमंत्री जैसी ना झूठी डिग्री नहीं लेके घूमते हम लोग, समझ गए? पहले आप बोलने का तरीका सुन लीजिए और अपने अंदर खुद समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? जब इस देश के अंदर अत्याचार किया जा रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, आप सभी को पता होगा। किसान आंदोलन में आपको बता दूं साथियों, 300 से ऊपर लोग मर गए, ठीक है? उस ठंड के मौसम में 250 से ऊपर लोग संख्या थी, ठीक है? इतने लोगों के मरने के बाद ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो आवाज उस पर नहीं उठाती हैं, आकर आरक्षण के ऊपर आवाज उठा रही हैं। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं मैडम, अगर आरक्षण के बारे में आपको जानकारी चाहिए और कोई चीज लेना और अगर आपको मुकाबला करना है तो मैं खुला आपको चैलेंज देता हूं, आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, आप जहां मर्जी वहां मुझे बुला लीजिएगा, मैं आरक्षण पे आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा जय भीम। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करिए कि ताकि ये प्रधानमंत्री बन जाए मेरे हिसाब से, ठीक है? जब इनको इतना नहीं पता कि क्या कैसे बोला जाता है तो ये कैसे प्रधानमंत्री की, तो बात छोड़िए प्रधानी की चुनाव नहीं जीतेंगे। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।